वेलकम टू द ब्रेबो किंग। मोटापा या वजन बढ़ाने तरीके पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज की दुनिया में हमारे गतिहीन जीवन के शैली के अस्वस्थ आहार और तनावपूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए स्वस्थ वजन को बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। वजन बढ़ाना न केवल हमारे शारीरिक रूप को प्रभावित करता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अत्यधिक वजन बढ़ने से मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और कुछ प्रकार के कैंसर सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है। यह कम आत्मसम्मान, ऊर्जा के स्तर में कमी और आत्मविश्वास की कमी को जन्म दे सकता है। इस वीडियो में हम मोटापा या वजन बढ़ाने को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव और रणनीति साझा करेंगे। स्वस्थ खाने की आदतों से लेकर नियमित व्यायाम, दिनचर्या तक हम उन विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जिनमें हम स्वस्थ वजन प्राप्त कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि आप मोटापा से जूझ रहे हैं या स्वस्थ वजन बनाए रखने के तरीके को तलाश कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम है विवेक कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेबो किंग। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां हम भारतीयों के किसान आयुर्वेद से बताऊंगा जिस पर आप अमल कर सकते हैं। शरीर में जब वसा की मात्रा यानी कि फैट की मात्रा और शरीर में एकत्र होने लगती है तो इसी से मोटापा आता जाता है। वो एकत्र वसा की ही मोटापा है। मोटापा आने से कई अन्य रोग भी आ सकते हैं। अत्यधिक खाना खाने से और मेहनत ना करने से मोटापा जल्दी आता है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है, ज़्यादा मेहनत ना करने पर थकान होने पर लगती है। इसी कारण से शुगर, हृदय रोग, अपच, कब्ज आदि बीमारियाँ भी होने लगती हैं। इसलिए मोटापा दूर करना अति आवश्यक है। नियमित व्यायाम या आसन अवश्य करें। आसनों के लिए किसी भी अच्छे योगाचार्य से संपर्क करें, इसे तुरंत लाभ मिलेगा और हमेशा के लिए मोटापा दूर होगा। प्राणायाम या कपालभाति का कोर्स भी आप ले सकते हैं, ये सबसे सर्वोत्तम है। और दोस्तों, सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर पीजिए। प्रातकाल खाली पेट गर्म पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है। एक तोला सोठ यानी एक चम्मच सोठ को शहद में मिलाकर चाटने से भी मोटापा कम होता है। तुलसी के पत्ते को शहद से मिलाकर पीने से आपको लाभ होता है। अधिक मेहनत वाले काम करें, मोटापा जल्दी से जल्दी जाएगा आपके लिए। खाना खाने के बाद लोगों को सौंफ की जगह तिल खाना चाहिए और उसमें भी काला तिल सबसे अच्छा होता है। काले तिल की गुणवत्ता सफ़ेद तिल से अधिक होती है, लेकिन तिल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ही खाना चाहिए। मोटे लोगों को मोटापा कम करने के लिए क्षरी चीज़ों का ज़्यादा खाना चाहिए। मोटापा कम करने के लिए क्षरीय वस्तु ज़्यादा खाएं, जैसे कि गाजर, दूध, लौकी, सेब। गाजर को कद्दूकस करके घिसिए, उसके बाद उसमें लचके बनेगा। सेब को भी कद्दूकस में घिसिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह पेट भर खा लीजिए। 3 महीने लगातार खाइए और अगले 3 महीने 2-3 आंवला खा लीजिए या फिर मुरब्बा। इसे भी 3 महीने तक इसी प्रकार खाना पड़ेगा। इसलिए बाद फिर गाजर और सेब शुरू कर दीजिए। ऐसा काम आप 1 से 2 साल तक लगातार कीजिए। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा का वजन नहीं बढ़ाता है। दोपहर में खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से ज़्यादा सोने की स्थिति में मोटापा की शिकायत हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्वक लगा तो कृपया स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक उपयोगी टिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद और हम आपको हमारा अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।